मामला फिरोजाबाद के टूंडला क्षेत्र से है, जहां उप जिलाधिकारी टूंडला सत्येंद्र कुमार और नायब तहसीलदार हेमंत कुमार ने पुलिस बल के साथ फिरोजाबाद रोड स्थित संगम मैरिज होम के पास न्यू ब्लू स्टार होटल में छापामार कार्रवाई की। एसडीएम को शिकायत मिली थी कि नगर में कई होटल बिना सराय एक्ट लाइसेंस के चल रहे हैं, जिसमें अवैध कारोबार चल रहा है। इसी को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान होटल में दो युक्तियां मिली, जिन्हें थाने भेज दिया गया है। फिलहाल होटल को सीज कर दिया है, वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। सर, एक होटल पर कार्रवाई की गई है, किस तरह कार्रवाई है? हमें सूचनाएं मिली थी कि, और ऊपर से हमारे निर्देश थे कि जिन होटलों में सराय एक्ट अधिनियम 1867 धारा 3 के तहत पंजीकरण नहीं है, उनको जांच की जाए। और हम यहाँ पे उस दिशा निर्देश के अंतर्गत जांच करने आए। हमने कोई पंजीकरण यहाँ पे नहीं पाया, ना ही कोई केयर टेकर था और ना ही कोई रजिस्टर मेंटेन था, तो उसके संदर्भ में हमने सीज हेतु कार्रवाई की है। तो सर, इसमें बताया दो लड़कियां मिली हैं, कहाँ की थी, कैसी, किस? दो युक्तियां मिली हैं जो हमने पुलिस के हवाले कर दी हैं। पुलिस जांच करके उनके ऊपर जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो करेगी।